करो, सरकारी जो प्रसाद थी उसको क्यों उतार दिया। इस तरह से भगवान की जो है पोशाक है, कंठी है, तिलक है, उसका आदर रखना चाहिए, हमेशा इसको धारण करना चाहिए। वैष्णव का सत्संग करते रहोगे, सत्संग में आते जाते रहोगे, हमेशा सत्संग करते करते सब कुछ का ज्ञान हो जाएगा। इसलिए सत्संग में जितने हमारे यहाँ के सब जगह, लालपुर में सत्संग रोज होता है, यहाँ पर रोज सत्संग होता है, झांगरा में रोज सत्संग होता है, किशोर में रोज सत्संग होता है, हलवद में रोज सत्संग होता है, तो ये महाराज जी भक्तवाली जी के, पंडित जी के जितने ये ग्राम हैं, आप लोग जितने उनके जहाँ जहाँ सेवक हैं, सब जगह सब सत्संग में नित्य चालू है, सब जगह सत्संग। तो सत्संग से जुड़े रहें, सत्संग में जुड़े रहोगे तो क्या हमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बात का ज्ञान सत्संग में आने से मिलता रहेगा। अपने कर्तव्य का ज्ञान, हमारा क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सत्संग में आते आते तरह तरह की कथाएं सुनने को मिलेंगी, सत्संग में सब कुछ ज्ञान हो जाएगा। मूलतः वैष्णव धर्म में हम भगवान की शरण में हैं, अहंकार का त्याग, सब प्रकार के अहंकार, मैं राजा हूँ, रईस हूँ, धनी हूँ, मानी हूँ, बलवान हूँ, रूपवान हूँ, इस तरह के जाति में उत्तम जाति का हूँ, ये सब अहंकार जो है वह छोड़ने के योग्य हैं। एक अहंकार केवल हम भगवान के दास हैं, ये अहंकार नहीं छोड़ा जाएगा। जो अद्वैत वेदांत की उपासना करते हैं शंकराचार्य के, वे सब प्रकार का अहंकार छोड़ करके स्वयं ब्रह्म बनना चाहते हैं, ब्रह्मास्त्र कहते हैं, मैं ब्रह्म हूँ। हम लोग ब्रह्म नहीं बनते हैं, हम लोग ब्रह्म नहीं हैं, हम तो दास हैं। ब्रह्म बन करके श्री कृष्ण ही हम बन जाएं, ब्रह्म बन जाएं, तो यह अपराध है हमारे वैष्णवों में। जिस तरह से वो कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, माने मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा वो कहते हैं, तो हम इस वाक्य को इसका अर्थ, इस वाक्य को मानते हैं, महावाक्य है तो उसका दूसरा अर्थ हम लगाते हैं, लेकिन मैं ब्रह्म हूँ ऐसा नहीं कहते, मैं दास हूँ, यह हमारा भाव है। पंडित लोग कथा कहते हैं कि कन्हैया तो स्नान कर रहे थे, जमुना जी में पोशाक रखी हुई थी, मनसुख लाला ने पहन लिया श्री कृष्ण की पोशाक, श्री कृष्ण बन गए, बंसी लेकर के जंगल में टहलने लगे, इसी बीच आकर के कंस के किसी दूत ने बड़ी मार लगाई, मार पकड़ो, यही है कृष्ण, यही है कृष्ण, यही है कृष्ण, पकड़ो पकड़ो, मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं कृष्ण नहीं हूँ, तो कौन है, मैं उनका मित्र हूँ, दास, छोड़ दो, जान लीजिए कृष्ण नहीं हूँ। तो कृष्ण बनने से भगवान के बन, जब हम कृष्ण बनेंगे तो भगवान क्या है, भगवान माया के पति हैं, लक्ष्मी के पति हैं, और हम भगवान बन जाए तो क्या माया के पति लक्ष्मी के पति नहीं बन सकते हैं, और सृष्टि के कर्ता धर्ता हम नहीं हो सकते हैं, ईश्वर सृष्टि का करने वाला है, कर्ता धर्ता है, इसलिए न तो हम सृष्टि के कर्ता हो सकते हैं, न हम माया के पति हो सकते हैं, न हम लक्ष्मी के पति हो सकते हैं, ऐसा कहना अपराध है। इसलिए वैष्णव कभी अपने को भगवान नहीं मानता है, भगवान बनना नहीं चाहता, भगवान का सेवक बनना चाहता, यही भाव सदा मन में रहना चाहिए। वैष्णव के लक्षण जो है वह एक दो नहीं, बहुत से बड़े बड़े लक्षण गीता भागवत रामायण में वैष्णवों के, भक्तों के लक्षण बहुत लंबे चौड़े वाक्यों में कहे गए हैं, लेकिन मुख्यतया लक्षण श्रीमद् भागवत में जीवे दया नामे रुचि वैष्णवे सेवन, दया सर्वभूते, प्राणियों पर दया करना चाहिए, दया में सब धर्म आ जाते हैं, जिसके हृदय में दया होगी तो वह किसी की चोरी नहीं करेगा, क्योंकि चोरी कर लेगा तो उसको कष्ट होगा, किसी को कष्ट न देना, सबके ऊपर दया करना, प्राणी मात्र को हर प्राणी के ऊपर दया में व्यवहार करना है, जगत में संसार में सब प्रकार का व्यवहार करना है, लेना है देना है, लेकिन उसमें दया रहनी चाहिए, दया होगी तो फिर हम दूसरे को ठगेंगे नहीं, उचित व्यवहार करेंगे, अपना लेंगे अपना देंगे, धोखा नहीं देंगे, क्योंकि धोखा देने से उसके मन में कष्ट हो जाएगा, इसलिए दयापूर्वक सबके साथ में व्यवहार करना एक वैष्णव का मुख्य कर्म यह है। किसी के साथ भी, किसी जीव के साथ में व्यवहार करते समय और मन में दया रहनी चाहिए, हमारे व्यवहार से और किसी को कष्ट न हो जाए, बिना कारण कष्ट न हो जाए, चलते फिरते पैर के नीचे दब करके जीव मर जाते हैं, तो वह अनजान में जो ऐसा हो जाता है, अपराध हो जाता है, तो सायंकाल को प्रातः काल को भगवान को नमस्कार करने से, कीर्तन करने से वह अपराध दूर हो जाता है। जानबूझ करके हत्या नहीं करनी चाहिए,
और अनजाने हो जाती है तो भगवान का नाम लेने से, प्रणाम करने से, कीर्तन करने से, स्नान करने से वो हत्या जो है अपराध दूर हो जाता है। तो जीवों के प्रति दया का भाव बना रहे, हर जीव के साथ व्यवहार करते समय और दया का भाव उसके पास रहे। जानकी जी का वाल्मीकि रामायण का वाक्य है, उन्होंने कहा लिखा है कि न कश्चित ना अपराध थे, उन्होंने लिखा है कि हनुमान जी दंड देना चाहते थे, जो राक्षसियाँ जानकी को डरा रही थी उनको दंड देना चाहते थे, इनको टुकड़े टुकड़े करके इनको मार डाले, ऐसा क्रोध था उनको कि उन्होंने देखा था जानकी जी को धमकाते डराते। विजय के बाद उन्होंने इच्छा की तो जगदम्बा जानकी ने कहा कि कोई पापा नाम कितना ही बड़ा पापी हो, ऐसा पापी हो कि पाप ही का रूप बन गया है, असुर हो और ऐसा अपराध किया है कि उसे मार ही डालना चाहिए, ऐसे अपराधी के ऊपर भी दया करनी चाहिए। और जानकी जी ने कहा न कष्ट ना अपराध, कोई ऐसा नहीं है जिससे पाप न बने, हर प्राणी से हर जीव से एक न एक पाप एक न एक दोष बन जाता है, इसलिए भगवान से सिफारिश की कि आपको हर प्राणी के ऊपर दया करनी। हनुमान जी से कहा कि तुम तो आदि पुरुष भगवान राम के दूत हो तो तुमको भी अपराधी के ऊपर दया करनी चाहिए, दंड देने का नहीं, दंड नहीं, तो जगदम्बा जानकी ने क्षमा किया। पिता तो कभी दंड देने की इच्छा करता है, बालक पढ़ने नहीं गया तो मारता है, दंड कर देता है, लेकिन वह पिता के दंड से बचाने वाली माता होती है। तो श्री किशोरी जी राधा रानी, यह भगवान जब दंड देना चाहते हैं तो भगवान को समझा बुझा करके जीव को बचाती है, उनके मन में बहुत बड़ी दया है, तो प्राणियों के प्रति दया होना। और भगवान के नाम में रुचि रखना, भगवान के नाम का चलते फिरते उठते बैठते, गीता का कहना है कि भगवान ने अर्जुन को कहा कि माम अनुस्मर युद्ध कर, तुम युद्ध भी करो और मेरा स्मरण भी करो। कोई कहे कि दोनों काम नहीं हो सकते, युद्ध भी करो स्मरण भी करो, जब दोनों काम नहीं हो सकते होते तो भगवान अर्जुन को ये आज्ञा नहीं देते। इसलिए अर्जुन को जो कुछ भगवान ने कहा वह केवल अर्जुन के लिए नहीं, हम सबके लिए है। तो हम सबको संसार का जो कार्य है एक प्रकार की लड़ाई है, युद्ध है, संसार का व्यवहार व्यापार जितना है यह सब एक प्रकार का युद्ध है। इस सबको करते करते और भगवान का नाम, और नाम भूल जाए तो पछताना, अरे क्यों भूल गया हमको नाम, नाम का विस्मरण होने पर दुख होना यह भक्त का लक्षण है, नारद भक्ति सूत्र में लिखा हुआ है। तो भगवान के नाम का स्मरण अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लेते रहें, स्मरण करते रहें, मन ही मन वाणी से जैसे भी हो सके, और स्वयं और दूसरा कोई सामने पड़ गया कहते हमको भक्ति मिलनी चाहिए, भक्ति मिलनी चाहिए, प्रेम मिलना चाहिए, तो कब मिलेगा? स्वयं जब तुम प्रेम का दान करोगे, भक्ति का दान करोगे तो तुमको भक्ति मिलेगी। भक्ति का दान क्या है? सामने कोई पड़ गया, श्री कृष्ण का नाम किया, जय श्री कृष्ण, जय सीताराम, जय राधे श्याम कहोगे तो आपने समझो भगवान के नाम का दान किया, नाम का दान किया तो नाम का दान भक्ति का दान हुआ, तो आपको भक्ति मिलेगी। इस तरह से दूसरे लोगों पर प्रभाव भी पड़ेगा और दान करने से वस्तु मिलती है। आज हम दरिद्र क्यों हैं? हमने पूर्व जन्म में दान नहीं किया था इसलिए दरिद्र हैं। अब दान जिन्होंने किया है वो धनी मानी है, तो आप भक्ति का दान करेंगे तो आपको भक्ति मिलेगी। कथा का कीर्तन का आयोजन करना, भगवान के नाम का प्रचार करना, स्वयं नाम का स्मरण करना और दूसरे के द्वारा भी भगवान के नाम की याद दिलाना, यह ऐसा जो कोई करता है तो नाम का दान करता है, उसके हृदय में भक्ति आ जाती है। नारद जी ने भागवत के महात्म में नारद जी ने प्रतिज्ञा किया कि मैं भक्ति का प्रचार घर घर में करूँगा, तो भक्ति देवी ने प्रतिज्ञा किया कि मैं तुम्हारे हृदय में निवास करूँगी, तुम्हारे हृदय को छोड़ करके नहीं जाऊँगी। नारद ने भक्ति का प्रचार करने के लिए कसम खाई, प्रतिज्ञा किया, गेहे गेहे जने जने, घर घर में जन जन में दूसरे धर्मों का तिरस्कार करके और आपकी स्थापना करूंगा, भक्ति का प्रचार करूंगा। जब ये प्रतिज्ञा नारद जी ने की तो भक्ति देवी ने प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हारे हृदय में रहूंगी, कहीं छोड़ कर नहीं जाऊंगी। इस तरह से जो भक्ति का प्रचार करता है भक्ति की प्रेरणा देता है, भक्ति के प्रचार की तरह तरह की प्रेरणा होती है। हमारे हरंग जी के मंदिर में ब्रह्मोत्सव होता है, रथ का मेला तो और सब जो कुछ होता है, कथा कीर्तन और ये सब तो ठीक है, ये सवारी निकलती है कभी हाथी पर कभी हनुमान जी के ऊपर,
कभी कल्प वृक्ष, तरह तरह की झांकियां रोज निकलती हैं, लेकिन एक दिन आतशबाजी होती है। आतशबाजी में 10-5 मन बारूद में आग लगा दी जाती है, और बारूद में आग लगने से वायुमंडल दूषित हो जाता है। बारूद में फेंकना ये कोई भगवान की भक्ति नहीं है। बारूद में आग लगाना, आतिशबाजी करना, ये कोई भगवान की आराधना नहीं है। लेकिन इतने पर भी उन पुराने आचार्यों ने आतिशबाजी का जो नियम, अभी ध्यान मानगढ़ी में भी जन्म जयंती पर वहाँ पर भी आतिशबाजी होती है। तो आतिशबाजी इसलिए की जाती है कि जिन लोगों को भगवान में प्रेम नहीं है, ऐसे लोग भी इस मेले में आ जाए। तो आतिशबाजी के दिन हिंदू, मुसलमान, ईसाई, कोई भी हो, हर आदमी, कोई भगवान की भक्ति नहीं है, तमाशा देखने के वास्ते, आतिशबाजी देखने के लिए वहाँ हर कोई आता है। सब कोई आवे और आकर के जब यहाँ आ जाएगा तो रथ दिखाई पड़ेगा, कीर्तन सुनाई पड़ेगा, भगवान की भक्ति जाने अनजाने हो जाएगा। और जब भगवान का जुलूस निकलता है तो तमाशा देखने के बहाने भी जो कोई भगवान के डोला के पीछे आता है, सवारी का दर्शन करता है, उसके ऊपर भी भगवान कृपा करते हैं। इस प्रकार आतशबाजी इसीलिए होती है जिसमें सब लोग आकृष्ट हो जाएं, आ जाएं, खिंच जाएं। तो जो अज्ञानी जीव हैं, जो भगवान का नाम नहीं लेते हैं, उनको चरणामृत दे करके आरती में घंटी बजाई जाती है, आ जाते हैं, आती बार प्रसाद बढ़ता है, तो कितने लोग बालक आ जाएंगे, प्रसाद मिलेगा, कितने लोग दर्शन करेंगे, तो इसी से भक्ति का प्रचार होता है। बचपन से ही चरणामृत लेंगे, प्रसाद मिलेगा, आरती का दर्शन करेंगे, यह भक्ति का प्रचार है। तो नाम में रुचि होना, नाम के भीतर सब धर्म, जिस तरह से दया में सभी धर्म आ जाते हैं, उसी तरह से नाम में सारी वैष्णवता आ जाती है। स्वागत भागवतों का नाम लेकर के और नगरी में अजामिल पर निर्णय परम धर्म के जान, अजामिल का याद किया, अजामिल का प्रसंग, यह परम धर्म का निर्णय। अजामिल का और भगवान के दूतों का जो संवाद है, दूतों का भगवान के पार्षदों से संवाद और दूतों का धर्मराज से संवाद, इसमें परम धर्म का निर्णय हुआ है। और परम धर्म का निर्णय क्या है, यही हुआ कि अजामिल ने नारायण भगवान का नाम लिया, नाम नहीं लिया था, नाम तो अपने लड़के का लिया था, अजामिल ने भगवान का नाम नहीं लिया, अपने लड़के का नाम लिया, तो नाम का आभास उसमें था, नाम नहीं था, नाम का आभास था। तो नामाभास मात्र से पार्षद आ गए, अजामिल को छुटकारा मिल गया, संकट से छूट गया। यह नाम की महिमा ऐसी है, यह परम धर्म का निर्णय करती है, नाम भगवान का जो है लिया जाए। और तीसरा, जीव पर दया, नाम में रुचि, दया सर्व होते तो। और एक वैष्णवे सेवन, वैष्णव का सेवन करना, वैष्णव शब्द बड़ा व्यापक है। हम कृष्ण के हैं लेकिन हम वैष्णव हैं, हम राम के हैं हम वैष्णव, वैष्णव शब्द जो है वह कोई कहे कि विष्णु का भक्त वैष्णव होता है, ऐसा नहीं है। जितने राम के भक्त, नारायण के भक्त, श्री कृष्ण के भक्त, सब वैष्णव, सब अपने को वैष्णव कहते हैं ना, हम भी अपने को वैष्णव कहते हैं। तो राम कृष्ण का कोई भेद नहीं है, राम कृष्ण नारायण सबके भक्त जो है अपने को वैष्णव कहते हैं, और सबका गोत्र अच्युत होता है। जो भगवान की शरण में चले जाते हैं तो वह गाँव घर के व्यवहार में तो जो गोत्र घर का है वही रहेगा। गाँव घर में क्या शादी करनी है तो गोत्र का विचार करना होगा, तो घर का जो गोत्र है वही काम आवेगा। लेकिन इसके बाद हम अच्युत गोत्र के हैं, अच्युत नाम भगवान श्री कृष्ण का है। अच्युत उसको कहें, च्युत माने होता है जो गिर गया, और अच्युत का अर्थ होता है जो गिरे हैं, जिसका पतन नहीं होता है, जो कभी गिरता नहीं है, उसका नाम अच्युत है, अच्युत गोत्र है। वैष्णव का जितने लोग हो जाते हैं सबका गोत्र अच्युत है। अच्युत गोत्र होने से अपना अच्युत गोत्र के हम हैं, श्री कृष्ण के हम दास हैं, यह समझना चाहिए। वैष्णवे सेवन, तो जितने अच्युत गोत्री हैं, जैसे हमारा अच्युत गोत्र है, सारे लोगों का अच्युत गोत्र है। कैसे, जिन लोगों ने कंठी बांध लिया, तिलक लगा लिया, श्री कृष्ण के बन गए, भिक्षा ले लिया, वो तो अच्युत गोत्र के है ही नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं। जो वैष्णव बन गए हैं वो अच्युत गोत्र के हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो अच्युत गोत्री जो लड़ाए, नवगुण तोर नूतुर गयो, महत सभा मध्यास गए। कोई कच्छ कच्छ सूकर नान नरहरि की सेवा करता था, लेकिन हरि राम जी व्यास अच्युत गोत्री लड़ाए। हरि राम जी व्यास वृंदावन के महान संत,
जिनके ठाकुर विपुल किशोर हैं, उन्होंने अच्युत गोत्रियों को प्यार किया, अच्युत गोत्रियों की सेवा की, जिनका गोत्र अच्युत है अर्थात वैष्णव है, जो भगवान के भक्त हैं उनकी सबकी उन्होंने सेवा की। तो संत की सेवा करना, तो जब हम अच्युत गोत्र के हैं, हम वैष्णव हैं, और अब दूसरा अच्युत गोत्र न हो गया, वैष्णव हो गया, तो हमारा भाई हो गया, तो हम इसलिए अपने को, अपने भाई को अच्युत गोत्रीय मान करके उनकी सेवा करना, उनका सत्कार करना, सम्मान करना, आदर उनका करना। लालाचार्य जी थे तो कहा कि हमारे सब भगवान ने, गुरुदेव ने कहा भगवान के सामने समान मानना वैष्णव का नहीं बनेगा, तो मेरे समान मानना तो नहीं बनेगा, तो चलो भाई के समान मानना। जितने वैष्णव लोग हैं उनको अपना भाई के समान मान करके उनका आदर करना। भक्तमाल में जो है वह रामानंद संप्रदाय के लोग कंटिन्यू बांधते हैं, और नागा जी ने लालाचार्य का चरित्र देखा कि मालाधारी मृतक नदी में आया, इसीलिए रामानंद संप्रदाय का चरित्र लिखा। आज कड़ी न बांधना इन लोगों की बात है, इन लोगों ने कड़ी बांधना बंद कर दिया, लेकिन पुराने समय में सब कंठी बांधते थे, और कंठी निवासी होते तो गले में माला धारण करके मुर्दा कैसे आता, ये प्रमाणित किया। रामानंद संप्रदाय में भी कंठी पहले लोग बांधते थे, वैष्णव के गले में कंठी होना बहुत जरूरी है, और जो कंठी को बांधना छोड़ दिया तो चार संप्रदाय से अलग है। चार संप्रदाय में हमारे सब कोई कंठी बांधता है, लेकिन वो चार संप्रदाय से अलग है, अखाड़ों से, द्वारों से, चार संप्रदाय से बिल्कुल रामानंद संप्रदाय अलग ही समझो। अब हम लोगों के यहाँ आते हैं, रहते हैं, अगर कंठी बांध लें तो रसोई पूजा में जा सकते हैं, कंठी नहीं बांधे तो रसोई पूजा में नहीं जा सकते हैं, अलग ही रहते हैं, बैठो भोजन कर लो, भोजन करा दिया जाएगा। और इस दोष को दूर करने के वास्ते जो भरवा बाबा सबको कंठी बांधने लगते हैं, जो भरवा बाबा जो मंत्र देते हैं तो कंठी भी बांध देते हैं, और राम मंत्र भी दे देते हैं, नारायण मंत्र भी दे देते हैं, इस तरह से उन्होंने देखा। वैष्णव का सेवन करना, वैष्णव को अपना मानना, जो वैष्णव है वह अपने हैं, अपने किससे प्रेम करता है, हमारा है, हम प्रेम किससे करेंगे, जो हमारा है उससे हम प्रेम करेंगे। तो वैष्णव जितने हैं भगवान के भक्त जो हैं वह हमारे हैं ऐसा मान करके उनसे प्रेम करना, यथा शक्ति उनकी सेवा करना, उनको नमस्कार करना। एक हमारे श्री अयोध्या जी के महान संत है, नाम बताओ, अयोध्या के संत का नाम बताओ, नहीं आता है, रामानंद संप्रदाय के जिनको बोले, हाँ नाम याद रखो उनका, संत गोपालाचार्य जी महाराज, बहुत बड़े महान संत हैं, रामानुजी हैं, लेकिन ऐसे रामानुजी रामानुजी हैं, और रामानुज वाली जितने चक्कर हैं सबको मानते हैं, शंकर जी के मंदिर में वो भी नहीं जाते हैं, कभी भी नहीं बांधते, मालाएं पहने रहते हैं, तुलसी की मालाएं खूब पहनते हैं, कंठी हर समय नहीं बांधते। तो उनका कहना है कि यह जीव जो जन्म लिया, इसे यह पैदा हुआ, यह जन्म जात ही वैष्णव है, जन्म से ही यह वैष्णव है, क्या पहचान है इसकी वैष्णव में, तो ये उंगली के जो पोर्ट होते हैं इनमें शंख चक्र के चिन्ह बने हुए हैं, जितने हर चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कहीं भी वो पैदा हुआ तो हर मनुष्य के इन उंगलियों में चक्र के और शंख के चिन्ह बने रहते हैं, गोल गोल चिन्ह रह करके जो मिल जाए वह तो होता है चक्र, और जो खुल जाए खुला रहे वह होता है शंख। तो दसों शंख किसी के भुवन अंगलियों में दस शंख रहते हैं तो महान योगी होता है, और दसों चक्र होते हैं तो बड़ा भारी चक्रवर्ती सम्राट होता है, कुछ चक्र रहते हैं कुछ शंख रहते हैं हर प्राणी के, तो ये शंख चक्र सूचित करते हैं कि तुम वैष्णव हो, जन्म जाते ही वैष्णव हो, वैष्णव बनोगे तो सृष्टि जितनी है यह विष्णु भगवान की सृष्टि है, और सारी सृष्टि वैष्णव है। सृष्टि कैसे भाई, भागवत की कथा सुनोगे, सुनते हो तो उसमें भगवान से सृष्टि भाई, भगवान से सृष्टि भाई, तो भगवान से सृष्टि भाई तो सारा संसार वैष्णव है, सब कुछ वैष्णव है, वैष्णवता के कुछ भिन्न नहीं है। इस तरह से वैष्णवता को व्यापक मान करके और वैष्णवता भी वैसा रहना चाहिए। थोड़ी सी बात ये आपको बता दी गई, मुख्य बात ये है कि नित्य अपना जो मंत्र है भगवान श्री कृष्ण का जो नाम है, स्नान करने के बाद यथासंभव मुख्यतया मंत्र में जितने नाम रहते हैं उतने माला जरूर होना चाहिए, जितने अक्षर हैं उसमें उतने माला जपना चाहिए,
और उतना संभव नहीं है कि एक माला होना चाहिए, और कभी संभव मिल जाए हो जाए 10,000-20,000 अनुष्ठान करने के लिए बैठ जाओ, ज्यादा से ज्यादा जब करो कम से कम 10 प्रकार कर लो, लेकिन संस्कार छूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल छूट जाए और हम मंत्र जप नहीं करें। और मान लिया कभी ऐसा अवसर आ जाए कि हमको नहाने के लिए योग्य हम नहीं है, स्नान न कर सके, गाड़ी में बैठे हैं चल रहे हैं, स्नान नहीं कर सकते, तो बिना स्नान किए ही गंगा जमुना का ध्यान करो, और ध्यान करने के बाद भगवान का मंत्र जप लो, नाम जप लो, मंत्र जप लो, सुबह जप का संस्कार, तिलक लगाने का अवसर नहीं तो मैंने बताया कि जल ही तिलक लगा लो, केवल तुलसी गोपी मतिका तुलसी रहना और गोपी चंदन, गोपी चंदन से तिलक करना, ये वैष्णव के नाम, वैष्णव के लक्षणों में भगवान का नाम, नाम माने अपने से भगवान भगवत संबंधी नाम और मंत्र और पुंड्र और गोपी चंदन, तात्पर्य गोपी चंदन से तिलक, तुलसी गोपी मृतिका, ये चित्त वैष्णव के लक्षण है। लक्षण जो है वहाँ भीतर और बाहर दो तरह के होते हैं, भीतर भी, भीतर तो भगवान में प्रेम है या भीतर का लक्षण है, और बाहर का लक्षण है तिलक बांध दिया, कंठी कर लिया, तो बाहरी लक्षणों की अपेक्षा भीतर का लक्षण जो है वहाँ ज्यादा प्रेम। अंतर्दृष्टि की कथा सुनते हैं समाज में, मुँह से भगवान का नाम कभी नहीं लेता, कभी पूजा नहीं करता, कभी सत्संग में नहीं जाता, लेकिन मन ही मन भगवान का नाम लेता था, तो वह भी वैष्णव था। तो जिन लोगों के मत्थे पर तिलक नहीं है, कंठी नहीं है, वे वैष्णव नहीं है, ऐसा नहीं हमको सब, किसी के हृदय में भगवान के प्रति कितना प्रेम है हम क्या जाने, हमको वह दुष्ट दिखाई पड़ रहा है, चाहे नीच दिखाई पड़ रहा है, उसके कर्म ठीक नहीं है भले, लेकिन किसी के हृदय के भीतर घुस करके हम उसके प्रेम को नहीं समझ सकते, हो सकता है उसके हृदय में प्रेम हो, इसलिए किसी प्राणी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, वैष्णव सब सारा संसार वैष्णव है, तो ये बातें हैं। आगे 5 बात बताइए। माँ जी को इस प्रश्न नहीं चलते, हाँ तो 5 हो गया, 5 संस्कार बता दिए ना, 5 संस्कार जो है वो बता दिए, 5 में सबसे पहला नाम होता है 1, और ये तिलक हुआ 2, कंठी हुआ 3, और अपना भगवान से संबंधित नाम रामदास कृष्णदास शंख चक्र की छाप, ये 5 बातें हैं, 5 बातों से वैष्णव होता है। और ये तो, और शरणागति जो होती है वह 6 प्रकार की होती है, शरणागति 6 प्रकार की है। सबसे पहली बात है कि भगवान के अनुकूल रहना, भगवान के अनुकूल रहना, अपने इष्ट देव भगवान जो है उनके अनुकूल रहना, भगवान झूठ नहीं बोलते हैं तो हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, भगवान जो है अपने पिता माता में भक्ति करते हैं तो हमको पिता माता में भक्ति करनी चाहिए, इस तरह से भगवान के जो अनुकूल है, सती साध्वी पतिव्रता के ऊपर भगवान संतुष्ट होते हैं तो हमको अपने पति की सेवा करना चाहिए, पति की सेवा करने वाले को भगवान को ढूंढने नहीं जाना पड़ता है, पतिव्रता के समीप भगवान अपने आप आ जाते हैं। बड़ा विकट दृष्टांत है वृंदा का, जालंधर का, जालंधर दैत्य था, दुष्ट था, महापापी था, तरह तरह के पाप करता था, लेकिन उसकी पत्नी जो थी सखी साधी पतिव्रता थी, पतिव्रता होने से उसको उसकी मृत्यु नहीं हो रही थी, तो भगवान को वह नहीं चाहती थी, नहीं चाहती थी भगवान मेरे पास आवे, लेकिन जबरदस्ती भगवान छल कपट करके उसके पास पहुंच गए, तो पतिव्रता भगवान को न बुलावे तो भी भगवान जबरदस्ती उसके पास पहुंच जाए, यह पतिव्रता का महत्व है। इस तरह से जो भगवान के अनुकूल है उसको करने के लिए संकल्प करना, हम ऐसा करेंगे, सच बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, इस तरह के जो लक्षण है जिनसे भगवान प्रसन्न होते हैं उनको स्वीकार करना चाहिए, अपराध पूर्वक वर्जन, प्रतिकूलता का वर्जन करना चाहिए, किसी भी जीव की हिंसा, भगवान को जो प्रिय नहीं है वह काम नहीं करना, भगवान को जो प्रिय है वह काम करना, और ये विश्वास अपने मन में रखना कि भगवान हमारे रक्षक हैं, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, ये अपने मन में विश्वास रखना। जिस तरह से कन्या जब तक अपने घर में रहती है तो उसका गोत्र पिता का गोत्र रहता है, और विवाह हो जाने के बाद वह पति के गोत्र से गोत्रित हो जाती है, तो इसी तरह से वैष्णव हो जाने पर अच्युत गोत्र हो गया, भगवान के हो गए,
तो हम जिसके हो गए वह हमारी रक्षा करेगा, विश्वास रहना चाहिए भगवान हमारी रक्षा करेंगे। हमारा घोड़ा है, घोड़े को हम खिलाते पिलाते हैं और घोड़े को हमने बेच दिया, दूसरे को दे दिया, तो अब घोड़े से हमारा कोई संबंध नहीं रह गया। जिसने खरीदा वह घोड़े का पालन करेगा, उसको खिलाएगा पिलाएगा, उसकी जिम्मेदारी हो गई। इसी तरह से श्री कृष्ण की शरण में जाने पर भगवान की रक्षा की जिम्मेदारी हो जाती है। हमको विश्वास रहना चाहिए भगवान हमारे रक्षक हैं, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। रक्षिष्यति विश्वास, भगवान रक्षा करेंगे। और रक्षा करने के बाद से भगवान का वरण कर लेना, जिस तरह से कन्या पति का वरण करती है, उस तरह से रक्षा के लिए भगवान को हम वरण कर लें, भगवान को स्वीकार कर लें। और तार पढ़ने मन में दीनता दैन्य जो है उससे भगवान संतुष्ट होते हैं। अहंकारी मनुष्य में दीनता नहीं आती है, भक्तों के प्रति संसार के काम के वास्ते दीनता दिखाना, चापलूसी करना, उसकी कोई महिमा नहीं है। भगवान के भक्तों के साथ भगवान के प्रति दीन रहना, दैन्य भाव को दैन्य के ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए जितने भक्त हैं सबकी दीनता देखो, जितने शिवदास तुलसीदास आदि जितने धर्म हैं इन सबके पर बड़े भारी दीन। प्रभु मैं सब पतितों को टीको, सूदास ने कहा जितने पतित हैं सब में टीका, सबसे बड़ा पतित मैं हूँ। प्रभु मैं सब पतितों में नामी, सूदास के पद हैं। और नाभाजी का दैन्य जो है वह सबसे बहुत विचित्र है। नाभाजी का दैन्य दीनता भगवान के सामने विज्ञप्ति इसको कहते हैं। दैन्य क्या है वो कहते हैं ऋषियों ने, तो यमुनाचार्य का कहना है कि नंदितम कर्म तदस्त लोके सहस्त्र सो यन्नमयाभिधायी, संसार का कोई ऐसा निंदनीय कर्म नहीं है जिसको मैंने न किया। तमाम जाने कितने निंदनीय कर्म किए, अब आपकी शरण में आप मेरी रक्षा करो। ये दीनता शंकराचार्य भगवान की दीनता, मत समा पात की नास्ती तापनी तो समान है। देवी महारानी से कहते हैं शंकराचार्य कि मेरे समान दूसरा पापी नहीं है, अपापों को नाश करने वाला आपके समान कोई नहीं है, जैसा उचित समझो वैसा करो। इन बड़े बड़े आचार्य जितने हैं सब दीनता करके आए हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि वे पापी थे, लेकिन हम लोगों को दीनता प्रार्थना करना सिखाया उन्होंने दैन्य वाक्य कहकर के। नाभाजी का दैन्य, नाभाजी कहते हैं कि हे भगवान पातन ही हो पतित पावन, तुमको सब लोग पतित पावन कहते हैं। भगवान पतित पावन है, जो पापी है गिर गया है, पतित माने गिरा हुआ, तो पतित को पवित्र करने वाले हो, गिरे को उठाने वाले हो। नीच इतना पतित हो गया है कि अपनी ताकत से उठ नहीं सकता, एक तो गिर पड़कर गिर तक उठ जाता है, लेकिन एक ऐसा गिरता है कि इतना नीचे गिर गया है, इतना नीचे गिर गया है कि वह उठ नहीं सकता। पतित जो है हो गया है वह उठ नहीं सकता है, तो ऐसे पतितों को भी पवित्र करने वाले ये भगवान हैं, ठाकुर जी हैं, भगवान के भक्त हैं। पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, भगवान के भक्त और भगवान ये पतित पावन है। नाभाजी कहते हैं कि पतित पावन तुम्हारा नाम लोगों ने रख दिया है, लेकिन सच्चा नहीं मालूम पड़ रहा है, बात ही बातों में तुम पतित पावन बन गए हो। और तुम पतित भगवान पूछेंगे तो फिर मैं कैसे पतित पावन बन सकता हूँ, कैसे तुम समझोगे? तो नाभाजी कहते हैं कि मोते काम परे जानोगे, हमसे काम पड़ेगा तो हमको यदि पाप पवित्र कर दोगे तब हम तुमको पतित पावन मानेंगे। हमको पवित्र करो तब हम पतित पावन मानेंगे तुमको। अभी तो बात ही बातों में लोगों ने पतित पावन तुमको कह रखा है, बड़ी तुम्हारी बड़ाई हो गई। कैसे? जैसे एक आदमी को बड़ा बहादुर है, बड़ा वीर है, कोई बड़ाई करे और कभी वो लड़ाई लड़ने गया नहीं, लड़ाई में कभी उसकी विजय नहीं भई और लोगों ने उसको बड़ा वीर बड़ा योद्धा कह लिया। इसी तरह से तुम अभी किसी पतित से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा है, और अब तक पतित बहुत से पतित तुमने उधारे, बहुत से पतित उनको आपने पवित्र पावन किया, पवित्र किया, तो अब तक के जो पतित कैसे थे? सतयुग त्रेता द्वापर हु कोई पतितन को गति आपी, आपी ये आपकी भाषा का क्रिया है, आपी माने भी। सतयुग के त्रेता के द्वापर के पतितों को आपने सदगति प्रदान की, और हम कलयुग के पापी, वे पापी सतयुग त्रेता द्वापर के थे, इतने बड़े पापी नहीं थे, हम कलयुग के पापी हैं। कलयुग यह दुष्ट युग है, इसलिए हम कलयुग के पापी हैं, हमारा उद्धार करो तब हम समझेंगे तुम पतित पावन हो।
और वे पति जिनको तुमने उद्धार किया तो कोई तो एक तोला वजन था, कोई टाक माने तोला, कोई टाक कोई दो टाक, एक तोला कोई दो तोला, और बहुत बड़ा हो गया कि छटाक बन गया कोई पति से, कोई टाक दो टाक पौसेरा कोई पावर हो गया, और बड़ी बड़ाई से बहुत बड़ा पति हुआ तो एक किलो वजन हो गया एक किलो का। लेकिन वो तो सतयुग कहता द्वापर के अब तक के पिछले पापी ऐसे थे, को उतांत द्वेतांत पौसेरा बड़ी बड़ाई सेर एक किलो, और हम पूर्ण पतिताई ऐसे जो पाखानन में हम इतने बड़े पतित हैं जिस तरह से पहाड़ों में सुमेर पर्वत सबसे बड़ा, मेर पर्वत सुमेर पर्वत में सबसे बड़ा वजन देवताओं का निवास है, बहुत बड़ा विशाल पर्वत है, तो सुमेर पर्वत के समान वजन हम भारी पर्वत हैं, भारी पापी हैं। सुमेर जिस तरह से सब पहाड़ों में बड़ा है वजन है, उसी तरह से सब पतितों में और मैं सबसे बड़ा पति हूं। इसलिए अब नाभाजी प्रार्थना करते हैं कि मेरे पति मुझ शरीर से पति को उद्धार करो, पति को पवित्र करो, और पाहन नाव पार करो नाभा। अब तक लकड़ी की नौकाएं बहुत पार नहीं है, लेकिन पत्थर की नाव कोई पार नहीं होती है। पत्थर पर चढ़ करके पत्थर की नाव बना करके कोई नदी को समुद्र को पार नहीं कर सकता, तो हम पत्थर की नाव हैं। पत्थर की नाव अगर पार जाए, आपने पत्थरों को भी तैराया है, हो सकता है सुनते हैं कि पत्थर तैरे आपके प्रताप से, पत्थर को की नाव को पार करो तब हम जानें पतित पावन आपको तब हम समझें। मैं नाभा पत्थर की नाव हूँ, पत्थर की नाव को आप पार करो तो आपको पतित समझें, और नहीं तो कैहर पकरोक्ताम नहीं पार कर सकते हो। तो कैहर पकरोक्ताम इसका एक भाव तो यही है कि नहीं पार कर सकते हो तो कान पकड़ो पतित पावन में नहीं है, इनकार करो पतित पावन को नहीं है, और पतित पावन अगर हो तो पत्थर की नाव मुझ गरी से बड़े भारी पापी पहाड़ को पार करो तो मैं समझूंगा कि तुम पतित पावन हो। केहर माने सिंह भी होता है, सिंह का कान पकड़ना कठिन काम माना जाता है, अर्थात यह कठिन काम है, जिस तरह से सिंह का कान पकड़ना कठिन है उस तरह से मुझ गरी से पहाड़ पतित का पार करना कठिन है, आप इसको करो तब आपको पतित पावन मानेंगे। ये नाभाजी का दैन्य है, नाभाजी का दैन्य। तुलना की जाए सूर और तुलसी इन सब के वाक्यों से उत्कृष्ट बात है यह नाभाजी का दैन्य। इस तरह से अपने मन में दीनता रखनी, अहंकार नहीं करना, अहंकार और यह भक्तमाल का ग्रंथ बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। भक्तमाल के पढ़ने से सबसे बड़ा लाभ यही है कि अहंकार दूर हो जाता है। अहंकार जाति पाति का अहंकार, धन आदि का अहंकार तो दूर हो जाना सरल है, लेकिन मैं भजन करता हूँ या भजन नहीं करता है, इस तरह मैं अनुष्ठानी हूँ मैं भजनानंदी हूँ, इस तरह का अहंकार जो आ जाता है यह जल्दी दूर नहीं होता है। भक्तमाल को कोई नाम जपने लग जाए और अपने कहे कि मैं नाम जपता हूँ, नाम जप का अहंकार करे कि मैं माँ नाम जपता हूँ और ये नहीं जपता है, अगर वह भक्तमाल की कथा सुनेगा तो यवन हरिदास की कथा सुनेगा जो 24 घंटे में 20 घंटे तक भगवान के नाम का कीर्तन करते थे, यवन हरिदास उनकी कथा को सुन करके अहंकार दूर हो जाएगा कि मैं क्या चीज हूँ वो थे। इस तरह सब तरह की कथाएं, जितनी कथाएं हैं चाहे संत सेवा की हो, नाम जप की हो, पूजा की हो, जितनी किसी भी तरह से वह करता होगा कोई भजन और जो भक्तमाल को सुनेगा तो उसके मन में अहंकार नहीं रहेगा, अहंकार दूर हो जाएगा। इसीलिए सबसे आरंभ में प्रियादास जी ने श्रद्धाई खुले उपटरो श्रवण कथा मैल अभिमान अंगांगन छुड़ाई, भक्ति के अंग में जो मैल आ गया है, मैल माने अहंकार, उस अहंकार को अंग प्रत्यंग से अहंकार को छुड़ा देना यह सत्संग का और भजन का मुख्य उद्देश्य, अहंकार निवृत्ति हो जाना। अहंकार जब निवृत्त हो जाएगा तब भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। जिस हृदय में अहंकार ज्यादा से ज्यादा अहंकार भरा है तो वहां न तो ज्ञान होगा न भक्ति होगी, और धीरे धीरे अहंकार कम होता जाएगा तो ज्ञान भक्ति होती जाए, बिल्कुल
अहंकार नहीं रह जाएगा तो पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, पूर्ण भक्ति हो जाएगी। अहंकार ज्ञान भक्ति में सबसे बढ़कर के बाधक है। और दूसरी बात एक आप लोगों को याद रहना चाहिए, लिख लेना मदन गोपाल शरण तेरी आयो, इस पद को आप लोग लिख लेना। इन सबको आता है, ये सब लोग गाते हैं, सबको यह भगवान की शरणागति का और पद है। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, शरण कमल की सेवा दीजिए और अपना सेवक मान करके घर में रखिए। सेवक कैसे, एक सेवक तो ऐसा है कि हमने बुला लिया हमारा काम करो हम तुमको तनख्वाह देंगे नौकरी देंगे, एक सेवक ऐसे होते हैं। लेकिन उस तरह का सेवक मैं नहीं हूँ। मैं कैसा सेवक हूँ तो घर में पैदा हुआ सेवक। पुराने जमाने में ब्याह होते थे तो राजा लोग दास दासियों को देते थे, दहेज में दास दासी देते थे। तो दास दासी जब आते थे तो उनका पालन पोषण वो राजा करता था और उसमें जो पैदा होते थे वो दास ही पैदा होते थे। लड़की पैदा होती चाहे लड़का पैदा होता तो उनकी जिम्मेदारी खाने पीने की सारी जिम्मेदारी राजा की होती और वो सब सेवा जो है वो राजा की करते थे। तो घर में पैदा हुआ सेवक, बिना तनख्वाह का सेवक, हम घर में आपके पैदा हुए सेवक हैं। हमारे ऊपर आपका अधिकार है, सेवा करना हमारा धर्म है और आप पालन पोषण करना आपका धर्म है। इस तरह से अपने घर का पैदा हुआ सेवक मानो। पैदा हुआ जो घर में है वो इनकार नहीं कर सकता, दूसरा सेवक है तनख्वाह नहीं मिली नौकरी छोड़ दिया घर चला गया, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आपकी सेवा से इनकार करके चले जाए, हम सेवा नहीं करेंगे। हमको तो सेवा अनिवार्य है, हमको तो करना ही है। आप जो है पालन जीव से रोज भूल होती है, ईश्वर अपने कर्तव्य का पालन हमेशा करता है, कभी भूल नहीं करता। तो आप तो भूल नहीं कर सकते हो, हम सेवक हैं हम भूल करें तो आपको क्षमा करना चाहिए। और हम आपके घर जाए, घर जाया घर में पैदा हुआ सेवक मान करके अपनी शरण में हमको रखो। इस तरह से इस पद को याद रखोगे, पद अंत में आएगा जम डरपू, जब दास कहायो अपने को दास मानोगे तो जमराज डर जाएगा आपके समीप नहीं आएगा। इस तरह से यह सत्संग दास हो गया। श्री वृंदावन हरि लाल की जय। श्री देव श्री पंडित जी महाराज की जय। सतमाली जी महाराज की जय। सब संत की जय। जय जय श्री राम जी दीक्षा दीजिए। आपसे कभी नहीं कहेंगे इसको दीक्षा दे दीजिए, बस उपरा है कोई दीक्षा, आखिरी दीक्षा मिली, उसके बाद पंडित जी ने किसी को शिष्य नहीं बनाया। यह सौभाग्य भी ध्यान दिया जाना।
Hello.
મોટા મોટા કરો
जय श्री आवी जाओ जय श्री हरा बोल जय श्री कुबेर करके परम पूज्य श्री लालजी महाराज की जय श्री श्री राज नारायण जी महाराज की जय बोलो श्री मदन गोपाल की जय श्री बोलो श्री राम सरकार की जय गुरु शांति चतुर्नाम बपुए के पद बंदन के नाशय विघ्न अनेक गोस्वामी श्री नाभाजी महाराज की जय प्रियादास जी महाराज की जय गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय सर्व संतन की जय आराधना उपासना में नाम रूप लीला और धाम यह एक चतुष्टय है। ये चार तत्व हैं और इन चारों में नाम की महिमा विशेष है। नाम रूप लीला और धाम इन सबको सच्चिदानंदमय कहा गया है। सत चित आनंदमय ब्रह्म जो है वह सत स्वरूप चित स्वरूप आनंद स्वरूप होता है। भगवान का नाम सत है चित है आनंदमय है। भगवान का रूप भी सच्चिदानंदमय है। भगवान की लीला सच्चिदानंदमयी है। भगवान का धाम सच्चिदानंदमय है। चारों सच्चिदानंदमय हैं। इतने पर भी भगवान के नाम की महिमा विशेष है। विशेषता का कारण एक है सौलभ्य है। सौलभ्य माने सुलभ। जितना भगवान का नाम हमारे लिए सुलभ है उतना रूप सुलभ नहीं है। नाम की अपेक्षा और दूसरे भगवान के स्वरूप सुलभ नहीं है। तो भगवान स्वयं सौलभ्य है। सौलभ्य के कारण नाम की महिमा विशेष होती है। दूसरा रूप, रूप जो है वह नाम के अधीन रहता है। हजारों लोग बैठे हैं उनमें से जिस किसी का नाम लेकर के हम बुलावें वह आ जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि नाम के अधीन नामी रहता है। नामी सदा नाम के अधीन है। भगवान भी अपने नाम के अधीन रहते हैं। नाम लेकर के जो कोई भगवान को पुकारता है तो नाम के अधीन होने से भगवान वहाँ पर आ जाते हैं। नाम
के अधीन और नामी रहा करता है, यह एक सिद्धांत है। पुनः भगवान का नाम जो है वह उसका उच्चारण करते करते भक्त लोग सिद्ध हो जाते हैं। भगवान का नाम सच्चिदानंदमय है, जैसे राम यह नाम है, और गीता में ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ओम को एकाक्षर ब्रह्म कहा गया है, और उसी तरह से ओम का पर्याय जो है वह राम है। ओम जो है वह सगुण साकार और निर्गुण निराकार दोनों का पर्याय है। राम भी जो है वह सगुण साकार का पर्याय है और निर्गुण निराकार का पर्याय है। राम शब्द भगवान के पास रहेंगे तो उतना अधिक भगवान की महिमा समझ में आएगी। तो नाम की महिमा तब समझ में आएगी जब नाम का निरंतर कीर्तन करें, नाम का स्मरण करें, स्मरण करते करते कीर्तन करते करते नाम की महिमा समझ में आएगी। संसार कैसा है, संसार को समझने के वास्ते संसार से दूर हट जाओ तो संसार समझ में आएगा। संसार कैसा है, नाशवान है, दुख देने वाला है, ये बात संसार में रहकर इसको कोई नहीं जान सकता। संसार से अलग कोई हट जाए तो संसार का गुण दोष समझ में आएगा। और भगवान का महत्व, नाम का महत्व तब समझ